सफरनामा के प्रायोजक हैं सिल्वा, फील कंफर्ट, फील लग्जरी, सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा सीतापुर, मोती महल डीलैक्स, शाहजहांपुर रोड सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर के चार केंद्रों पर लगेगी कोरोना वैक्सीन, पंचायत चुनाव में लगेंगे 1,22,32,000 मतपत्र। चर्चित जेई पुष्पेंद्र वर्मा पर फिर एफआईआर के आदेश। नौ वर्ष पर जनता को नई सौगातें देंगे डीएम विशाल भारद्वाज। जिले भर में मना बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। शासन के आदेश के बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त चर्चित जेई पुष्पेंद्र वर्मा पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने एक बार फिर जेई पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अनुपालन में सीडीओ संदीप कुमार ने वीडियो परसेंडी राजकुमार को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें, परसेंडी ब्लॉक प्रमुख रंभा सिंह की शिकायत पर शासन ने मामले की जांच अयोध्या मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त को सौंपी थी। मामले में शासन ने अवर अभियंता पुष्पेंद्र वर्मा को सस्पेंड करके लखीमपुर अटैच कर दिया था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि खंड विकास अधिकारी रचना गुप्ता का फिरोजाबाद स्थानांतरण कर दिया गया था। पंचायत चुनाव में इस बार सीतापुर में 1,22,32,000 मतपत्रों का इस्तेमाल होगा। इनकी छपाई दिल्ली में कराई गई है। अब इन्हें लेने के लिए वाहनों से मैं टीम के मतपत्र प्रभारी अधिकारी सीतापुर से दिल्ली को रवाना हो गए हैं। वहां से भारी सुरक्षा घेरे में मतपत्रों को सीतापुर लाया जाएगा, जहां पर तय स्थल पर डबल लॉक में रखा जाएगा। जिले की मशीनरी भी पंचायत चुनाव को लेकर संजीदा हो गई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश प्रसाद ने बताया कि पंचायत चुनाव में सीतापुर जिले को 1,22,32,000 मतपत्रों की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 32,400 मतपत्र आने हैं, जबकि प्रधान पद के लिए 26,47,900 व बीडीसी के लिए 31,98,000 एवं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 31,85,700 मतपत्र प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि इन मतपत्रों को लेने के लिए मतपत्र प्रभारी अधिकारी बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी संतोष कुमार मैं टीम के साथ दिल्ली गए हैं। अब लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण कोटे की दुकान पर बिल जमा कर सकेंगे। इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन और खाद्य रसद विभाग के बीच करार हुआ है। शुक्रवार को बिसवा तहसील सभागार में सकरन विकास खंड के कोटेदारों को बिल जमा करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ई पास मशीन से बिल जमा करने की प्रक्रिया समझाई गई। बिजली का बिल जमा करने पर कोटेदारों को अच्छा फायदा भी होगा। असासी अभियंता के सी आजाद ने बताया कि राजस्व को वसूली बढ़ाने पावर एवं रसद विभाग सामूहिक प्रयास कर रहा है। नगरी क्षेत्र के बिल पर 12 और ग्रामीण क्षेत्र के बिल पर 20 रुपए कोटेदार को मिलेंगे। इस मौके पर एसडीओ रामाज्ञा मिश्रा, अवर अभियंता बीके सिंह, आपूर्ति निरीक्षक संजय यादव, एएमओ बिसवा शिवराम सिंह, एएमओ सकरन अनामिका सिंह, आपूर्ति बाबू राजा राम रावत, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद थे। मिश्रिक क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की धूम रही। कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करके उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। सीएससी मिश्रिक में मरीजों को फल का वितरण किया गया। इस मौके पर बीपी हंस, अभिलाषा वर्मा, सुदर्शन लाल भारती, पिंकू श्यामू मिश्रा आदि मौजूद थे। मछरेटा में बाबा ब्रह्मादेव चित्रेटा पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कन्याओं के साथ ही सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी भोज किया। संयोजन संदीप सिंह ने किया। इस मौके पर चंदन सिंह, बैजनाथ आदि मौजूद थे। एलिया की ग्राम सभा कुचकापुर के गांव कुचकापुर खुर्द में सरकार के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां 3 वर्षों से शौचालय अधूरे पड़े हैं।
किसी पर छत नहीं तो किसी में सीट नहीं लगी है। ऐसे में ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा में कई वर्षों से बंद चकमार्ग खुल गया है। एसडीएम सिदौली संतोष राय के निर्देश पर लेखपाल अविनाश मिश्र ने पैमाइश करके चकमार्ग को खुलवाया। चकमार्ग खुलने से ग्रामीण खुश हैं। बता दें, गांव के अंशुमान बघेल ने तहसील दिवस में इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त विकास निगम निकट भविष्य में हुनर हाट का आयोजन करेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद के साथ ही देश के अन्य शहरों में हाट बाजार आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। कोई भी कारीगर उनके कार्यालय में पहुंचकर आवेदन कर सकता है। हर गांव के गांव कबीरपुर मदनापुर के आकाश अवस्थी को एबीवीपी जिला संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें यह पद आनंदी देवी इंटर कॉलेज में आयोजित 60वें प्रांत अधिवेशन में दिया गया। उनको पदभार मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अंशु वर्मा, सुभाष राजपूत, शिवावस्थी, सरदार अमरजीत सिंह, गोपाल, प्रशांत, सोमिन यादव, शिवम वर्मा, करण गुप्ता, आयुष, तेजपाल आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। नैमिष थाना क्षेत्र के रुद्रावत मार्ग के किनारे लकड़िया मऊ के 20 वर्षीय तन्नू का शव मिला है। मृतक के चाचा रणजीत सिंह ने बताया, 3 दिन पूर्व तन्नू थाना अरवल के गांव बाना मऊ स्थित अपनी बहन की ससुराल जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मिश्रिक तहसील के अधिवक्ता तहसीलदार से खुश नहीं है। शुक्रवार को अधिवक्ता संघ की बैठक में तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी के तबादले की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर बैठक की और कहा कि तहसीलदार कार्यालय में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। इस मौके पर संघ अध्यक्ष राम भक्त सिंह, महामंत्री रामचंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, संरक्षक ब्रजेश कुमार पांडे, मुशीर अहमद आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कोरोना महामारी से जूझ रहे बासिंदों को अभी इससे निजात भी नहीं मिल पाई थी कि देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। बर्ड फ्लू को लेकर सीतापुर का वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। डीएफओ रुस्तम परवेज ने आई इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिन स्थानों पर शरणार्थी पक्षी आते हैं वहां विशेष निगरानी की जा रही है।
केपीएस महाविद्यालय में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह का कार्य शुरू हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद राजेश वर्मा और जिला प्रचारक शिव शंकर ने भगवान श्री राम के चित्र पर माला अर्पण करके किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, अभियान प्रमुख सुरेश श्रीवास्तव, अजीत द्विवेदी, पंकज मिश्रा, रामायण मिश्रा, संतोष गुप्ता, अजय पटेल आदि मौजूद थे। केपीएस डिग्री कॉलेज तंबौर में इफ्को की ओर से कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा ने जरूरतमंदों को कम्बल दिए। इस मौके पर इफ्को के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर विनय मोहन, सहायक क्षेत्र प्रबंधक शिव चंद्र शुक्ला आदि मौजूद थे। एग्रीकल्चर बिल के विरोध में ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड ने भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति को समर्थन दिया है। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लखनऊ सदर गुरुद्वारा के चेयरमैन हरपाल सिंह जग्गी ने पिसावा के महतनिया में आयोजित किसान गोष्ठी में शामिल होकर समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव, रणधीर सिंह संधु, नरेश चंद्र वर्मा, गया प्रसाद शर्मा, अरुण शर्मा, मृदुलेश शास्त्री आदि मौजूद थे। हर गांव के गांव महादेव अटरा में विद्यालय के ऊपर से विद्युत लाइन निकली है। ग्रामीणों ने लाइन को हटवाने की मांग की है। एसडीओ हर गांव रामज्ञा ने बताया कि स्वीकृति के बाद उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। एग्रीकल्चर बिल के विरोध में शहर के धरना स्थल पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा व भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी न्यायिक हरशंकर शुक्ल को दिया और बिल वापसी पर ही धरने से उठने का ऐलान किया। इस मौके पर राम नरेश राही, सूबेदार चौहान, राजकुमार कनौजिया, परशुराम सागर, राहुल कुमार, मोहम्मद इमरान, विमल राणा आदि मौजूद थे। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में हर गांव कस्बे में मार्च निकाला। इसके बाद चार सूत्री मांगों के समर्थन में नायब तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें क्षेत्र की सड़कें सही कराने, गरीबों के राशन कार्ड बनवाने के साथ ही अन्य मांगों का जिक्र किया गया। इस मौके पर कामरेड अर्जुन लाल, गया प्रसाद, राम स्नेही वर्मा आदि मौजूद थे। लहरपुर के पूर्व विधायक अनिल वर्मा के जनसंपर्क कार्यालय पर स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौशल सिद्दीकी, पूर्व विधायक जासमीर अंसारी, जय सिंह यादव, जिला सचिव सलाउद्दीन गौरी, मंत्री इरफान खां आदि मौजूद थे। कुतुब नगर के शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मकर संक्रांत पर्व मनाया। आरएसएस के राजकुमार ने कहा कि जाति या वर्ण का विभाजन वैदिक नहीं है, वेदों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। इस मौके पर विभाग संघ चालक डॉक्टर हरिपाल सिंह, खंड संघ चालक चंद किशोर शर्मा, खंड प्रचारक आशीष कुमार, अवधेश सिंह, सुरेंद्र विक्रम सिंह, अरुण कुमार सिंह, आकाश शर्मा, दिनेश कुमार आदि मौजूद थे। नैमिष युवा संस्कार समिति द्वारा आयोजित तृतीय नमामि नैमिष अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को दो लीग मैच खेले गए। पहले मुकाबले में स्टार 11 और दूसरे में राज क्रिकेट क्लब ने मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस दौरान कथा व्यास, बबलू शास्त्री, सभासद शशि शंकर दीक्षित, इंडियन बैंक मैनेजर रवि कुमार, दीप भरद्वाज, घनश्याम अग्रवाल ने अतिथि के तौर पर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। तालगांव पुलिस ने दहेज एक्ट के वांछित अपराधी करसेवरा के अजीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। केस में नामजद कासिम, रहीसुन व जोहरा की गिरफ्तारी अभी शेष है। मोहली पिपरावा न्याय पंचायत में कांग्रेस ने सृजन अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी और ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई।
इस मौके पर रामाश्रय अवस्थी, सतीश अग्नोत्री, श्याम सुंदर शुक्ला, मुनवा सिंह, मनोज वर्मा, रमेश मौर्य, भोजपाल वर्मा, डॉक्टर जमाल, सुरेश कुमार, राम स्नेही अनूप मिश्रा आदि मौजूद थे। एसडीएम लहरपुर रामदरस राम ने सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, ऐसे में वह हाजिरी रजिस्टर साथ लेकर चले गए। एसडीएम के इस रुख से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। महमूदाबाद नगर पालिका ईओ शैलेन्द्र दुबे ने सफाई नायकों और सफाई बाबुओं के साथ बैठक करके अभियान चलाकर सफाई कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर जेई सीबी सिंह, अनिल शुक्ल, मुरादी रामशरण आदि मौजूद थे। सदरपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी रामू और तीरथ राम के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। अग्निकांड में एक भैंस, 4 बकरियां और 2 बकरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं एक पड़िया गंभीर रूप से झुलस गई। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड को भी काबू करने में काफी प्रयास करना पड़ा। क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र कुमार ने अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन करके तहसील मुख्यालय भेज दिया है। प्रधान संघ के अध्यक्ष रमा निकेश सिंह, भाजपा नेता अवनीश मिश्रा, मनोज कुमार गुप्ता, विभूपुरी, शुभम श्रीवास्तव, आशीष मल्होत्रा आदि मौजूद थे। कसमंडा के गांव गढ़ी करौंदी में श्री गायत्री महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पीर नगर संगम पर जाकर कलश भरे। अटरिया क्षेत्र के नवा गांव पब्लिक स्कूल परिसर में आर्यावर्त बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर एवं ग्राहक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष एसबी सिंह ने ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बैंक मित्र धर्मेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, रामचंद्र, प्रिया रावत, रागिनी रावत, विनीत पाल आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा एवं पत्रकार परिवार की तरफ से तीर्थ और वृद्ध आश्रम में तहरी भोज का आयोजन किया गया एवं जरूरतमंदों को कम्बल भी बांटे गए। इस मौके पर नवनीत दीक्षित, अंबुज वाजपेयी, महेंद्र अग्रवाल, सत्येंद्र प्रताप सिंह, अर्पित सिंह आदि मौजूद थे। जिला पुलिस प्रमुख आरपी सिंह की सख्ती के बावजूद जिले के पुलिसकर्मी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। थाना तंबौर के छतांगुर गांव में बिना अनुमति के कराए जा रहे नौटंकी कार्यक्रम में आनंद लेते हुए 2 होमगार्डों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों होमगार्ड डायल 112 में तैनात बताए जा रहे हैं। होमगार्ड राम कुमार व संजय कुमार अवस्थी को मुख्यालय रिलीव कर दिया गया है। वहीं बिना अनुमत कार्यक्रम कराने पर नौटंकी संचालक बसंतापुर के मौजीलाल और आयोजक लल्लन, सोने, भानु प्रताप, रिंकू, उदय प्रताप, शिव भगवान व सलीम पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। रेउसा कस्बे में वसीम अहमद ने भारत मेडिकल स्टोर खोला है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को सपा के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू और व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सूबेदार वाजपेयी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर रिजवान अहमद, शेरू खान, राजू सिंह, रफीक मलिक आदि मौजूद थे। रेउसा में बजरंग दल और बीप के कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी भोज का आयोजन करके श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ किया। सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद कुमार मिश्र, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामस्वरूप भार्गव, साहब लाल पोरवाल, आशीष कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह कुशवाहा, डॉक्टर संदीप वाजपेयी, महंत गंगादास आदि मौजूद थे। सकरन थाना क्षेत्र के सुमरावा गांव में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब चमत्कार देखने को मिला। बिमलेश के घर के सामने लगे 15 वर्ष के पुराने नीम के पेड़ से अचानक दूध जैसा पानी गिरने लगा।
यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग चमत्कार देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। इस दौरान वक्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल और पूर्व सदस्य विधान परिषद डॉक्टर राम कुमार कुरील ने पंचायती चुनाव में चुनाव चिन्ह देने का ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने 2022 में बीएसपी सुप्रीमो को सीएम बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल राम खिलावन वर्मा, मुख्य प्रभारी लखनऊ मंडल राम मूर्ति मधुकर, चंद्रिका प्रसाद, जिलाध्यक्ष विनोद गौतम, प्रदीप गौतम, जुनेद अंसारी, अभिलाषा वर्मा, सुरेश रावत, राजेश वर्मा, कौशल किशोर वर्मा, राजेश सिद्धार्थ, लालजी भार्गव, रानू चौधरी, प्रद्युम्न वर्मा, कौशल किशोर वर्मा, शत्रुघ्न लाल आजाद, सोबरन लाल गौतम, बीपी हंस, विकास राजवंशी, विनोद राजवंशी, इरफान डिसूजा आदि मौजूद थे। नया साल नई उम्मीदें, इसको लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से आई इंडिया ने खास बातचीत की, जिसमें जिलाधिकारी ने प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कोविड, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रोजगार, हवाई पट्टी के साथ ही अन्य पहलुओं पर विस्तार से बताया। इसका वीडियो आप अपने प्रिय चैनल आई इंडिया पर सीतापुर वासियों के लिए जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज की झोली में क्या क्या शीर्षक को क्लिक करके देख सकते हैं। हस्ताक्षर संस्था की ओर से आरसीटी कार्यालय जमैयतपुर खैराबाद में कम्बल वितरण व खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष कार्तिकेय शुक्ला, आरसीटी निदेशक कमलेश पांडे, रंजीत कुमार दास, महामंत्री योगेंद्र पांडे, सांस्कृतिक प्रभारी गोपाल टंडन और उपाध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित ने 33 जरूरतमंदों को कम्बल प्रदान किए। इस मौके पर शीतला प्रसाद तिवारी, विवेक, डॉक्टर अनुपम मिश्र, श्याम मोहन पांडे, सुषमा मोहन पांडे, शिवम त्रिवेदी आदि मौजूद थे। मचेटा पुलिस ने शाहपुर गांव में जुआ का फड़ पकड़ा है। छोटे, राजाराम आदि को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,700 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उधर कंदुआपुर निवासी तेजराम को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पंचायत चुनाव का नगाड़ा बज गया है। सीतापुर में 1,22,32,000 मतपत्रों का प्रयोग होगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेश प्रसाद ने आई इंडिया को बताया कि प्रधान पद के लिए हरा, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सफेद, बीडीसी के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का प्रयोग होगा। बिस्वा कोतवाली के जहांगीराबाद तिराए पर लीक ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व निकालते समय सिलेंडर उछल गया और सड़क पर खड़ी 4 वर्षीय मासूम कुलसुम पर गिर गया। हादसे में बालिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका गोलोक कोडर की रहने वाली थी। वह अपने चाचा अब्दुल के साथ सड़क पर खड़ी होकर सवारी का इंतजार कर रही थी। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने घटना स्थल की पड़ताल की है। शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम में 16 जनवरी की रात मां के भजनों की महफिल सजेगी। आयोजक रोहित मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में टिंचू गुप्ता और अनिल द्विवेदी विशेष सहयोग दे रहे हैं। रामपुर मथुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बगस्ती गांव के शत्रुघ्न को 220 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा है। थाना अध्यक्ष सुरेश चंद मिश्र ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों के गांवों में छापा मारकर 68 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। जिला आबकारी अधिकारी सुनील दुबे ने बताया, कार्रवाई के दौरान हत्थे चढ़े 7 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में और बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रमुख दिवाकर ने कहा कि मंदिर का निर्माण बिना सरकारी मदद के समाज के सहयोग से होगा। उन्होंने साधु व संतों की मौजूदगी में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ भी किया।
इस मौके पर पहला आश्रम महंत भरतदास, महंत बनगढ़ संतोष दास खाखी, जिला संघ चालक उमाकांत, सहनगर संघ चालक विनय अग्रवाल, विभाग कार्यवाह राजकुमार तिवारी, बिहिप जिलाध्यक्ष व अभियान प्रमुख विपुल सिंह, विभाग मंत्री बिहिप राजेंद्र, जिला प्रचारक उपेंद्र, जिला संगठन मंत्री कमलेश, सह अभियान प्रमुख भंवर सिंह, महेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, नीरज वर्मा, गोदावरी मिश्रा, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी, ज्योति शंकर आदि उपस्थित थे। अभियान के प्रारंभ से ही दानियों ने दान दिया। पहले दिन पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, मुकेश अग्रवाल, आलोक श्रीवास्तव, कुलदीप श्रीवास्तव, मोनू सहगल व ललित श्रीवास्तव चंचल ने चेक देकर मंदिर निर्माण में दान दिया। लंबे समय से सीतापुर वासियों को जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। कोरोना के खात्मे के लिए 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले चरण के अभियान में सीतापुर में चयनित 4 स्थानों पर टीकाकरण होगा। प्रत्येक केंद्र पर 100-100 लाभार्थी बुलाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरोला ने बताया कि लाभार्थी को 0.5 ml इंजेक्शन लगाया जाएगा। यह बाएं और दाएं दोनों हाथों पर लग सकता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जनपद की बस सेवाओं की समय सारणी पर। खबरनामा के प्रायोजक थे सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, सह प्रायोजक दी रेमंड शॉप ट्रांसपोर्ट चौराहा सीतापुर, मोतीमहल डीलक्स शाहजहांपुर रोड सीतापुर।